यहाँ पे क्लस्टर टेबल सिंपली आपको याद होगा, एक क्लस्टर टेबल था और एक क्लस्टर इंडेक्स था। दो तरह की चीजें हमने पढ़ी हुई थी क्लस्टर के अंदर, टेबल भी और इंडेक्सेस भी। तो यहाँ पे उसने वही दिखाया कि आप क्लस्टर टेबल कैसे बनाएंगे। ये उसने पहले कॉलम में पहली लाइन में, दूसरे में उसने क्लस्टर इंडेक्स बनाना सिखाया है कि क्लस्टर इंडेक्स आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो ये आपके सामने क्यूरीज हैं, आप इनको यूज करते हुए जो है वो काम कर सकते हैं, जिस तरह करना चाहें। नीचे इनकी एग्जाम्पल्स हैं सिंपली। ड्रॉप टेबल्स, आपको पता है टेबल्स को ड्रॉप करने के लिए आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं, किसी भी टेबल को ड्रॉप करना हो। थोड़ा सा इसमें ये दिखाया गया कि अगर फर्ज करें आप किसी टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद आपको याद आता है कि आपने उसको ड्रॉप नहीं था करना। जैसे आप कोई फाइल डिलीट कर दें तो रिसाइकल बिन में वो पड़ी होती है, तो आप वहां से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉप किए गए टेबल्स को रिकवर कर सकते हैं कहाँ से, फ्लैशबैक टेबल में से। तो फ्लैशबैक टेबल में से जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने ड्रॉप किए गए टेबल्स को रिकवर कर सकते हैं। आप यूँ यूँ समझ लें कि जो फ्लैशबैक टेबल्स हैं वो आपके बेसिकली रिसाइकल बिन के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, यू कैन फ्लैशबैक मल्टीपल टेबल्स एट वंस और फ्लैशबैक द एंटायर डेटाबेस टू अ प्रायर पॉइंट इन टाइम ही ड्रॉप द टेबल। वो कहता है कि आप मल्टीपल टेबल्स को भी फ्लैशबैक कर सकते हो, मतलब रिकवर कर सकते हो, या पूरी डेटाबेस को भी कर सकते हो। टू अ प्रायर टाइम इन टू अ प्रायर पॉइंट इन अ टाइम ही ड्रॉप टेबल कमांड अलाउज यू टू ड्रॉप टेबल फ्रॉम योर ओरेकल डेटाबेस। यानी कि ड्रॉ जो आपने टेबल टेबल को ड्रॉप करने की कमांड यूज की है ना, उस कमांड से प्रीवियस तक आप तमाम टेबल्स जितने भी हैं, तमाम डेटाबेसेस जितनी भी आपने ड्रॉप की हैं, सारी सारी की सारी को आप रिकवर कर सकते हो फ्लैशबैक के थ्रू। ठीक है, मतलब अगर आपने 4 दफ़ा ड्रॉप की कमांड यूज़ की है और 4 टेबल्स ड्रॉप किए हैं, तो चारों आप जो है वो रिकवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लैश टेबल्स। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे इसने टेबल को ड्रॉप करने की कमांड लिख कर दी है, ये पहले भी हम यूज कर चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ी होगी, ये भी ड्रॉप करने की कमांड है। नीचे फिर उसने एक दिखाया है, फ्लैशबैक टेबल बुक्स टू बिफोर ड्रॉप। अगर ये कमांड यूज करेंगे ना, फ्लैशबैक टेबल बुक्स, के बुक्स को आप क्या करो, फ्लैशबैक कर दो टू बिफोर ड्रॉप, ड्रॉप से पीछे, यानी कि ड्रॉप करने से पहले जो हालत थी ना बुक्स वाले टेबल की, उस हालत में वापस ले आओ। तो ये आप कमांड यूज कर सकते हैं, फ्लैशबैक टेबल्स टू टेबल बुक्स टू बिफोर ड्रॉप। यहाँ पे फ्लैशबैक टेबल के बाद आपने टेबल का नाम बताना है, टू बिफोर के बाद आपने बताना है कि आपने ड्रॉप से पहले वाली हालत में आना है या किस हालत में आप लोगों ने वापस आना है। तो हमें चूंकि ड्रॉप करने से पहले वाली हालत पे वापस आना है, तो हमने टू बिफोर के बाद ड्रॉप की स्टेटमेंट यूज कर ली है। तो ये एक क्यूरी है जिसके थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप किए गए टेबल को यूं कह सकते हैं कि रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैशबैक टेबल्स। फिर ये इंडेक्सेस हमने पढ़े हुए हैं डिटेल में, बड़ी सारे जितने भी इंडेक्सेस थे हमारे पास, सिर्फ उनकी क्यूरी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टेबल क्रिएट किया जाता है, वैसे ही तकरीबन इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है। लेकिन आपको याद होगा इंडेक्स जो था वो टेबल की, एक टेबल या मल्टीपल टेबल्स की प्राइमरी कीज के ऊपर नॉर्मली बिल्ड किया जाता है जो आपका इंडेक्स होता है। जैसे फर्ज करें, और इंडेक्स इंडेक्स भी एक टेबल ही बेसिकली होता है जो बन जाता है, और उस टेबल में जाहिर सी बात है एक प्राइमरी की भी होगी, जैसे सिंपल टेबल में प्राइमरी की होती है। तो इसने यहाँ पे क्यूरी लगाई है, क्रिएट इंडेक्स, कि इंडेक्स क्रिएट करो, टेबल लिखोगे तो टेबल क्रिएट होगा, क्रिएट इंडेक्स सेल्स अंडरस्कोर की, उस इंडेक्स का नाम होगा सेल्स अंडरस्कोर की। किसके ऊपर क्रिएट करना है, ऑन सेल्स, सेल्स के टेबल के ऊपर क्रिएट करना है। और सेल्स के टेबल के किस किस कॉलम के ऊपर क्रिएट करना है, बुक अंडरस्कोर की, स्टोर अंडरस्कोर की, ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर। सेल्स के टेबल में ये 3 कॉलम्स हैं, ये वाले, इसके अलावा भी और हो सकते हैं। इन 3 कॉलम्स के ऊपर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन 3 कॉलम्स के ऊपर, एक सेल के टेबल के इन 3 कॉलम्स के ऊपर क्या किया जाए, एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया जाए। और जो इंडेक्स क्रिएट होगा उसका नाम क्या होगा, सेल्स अंडरस्कोर की नाम होगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं।
नीचे भी एग्जांपल दी गई है, जब आपने इंडेक्स क्रिएट कर लिया हो तो उसके बाद आप कैसे वैल्यूज को फेच करेंगे या कैसे वैल्यूज को रिट्रीव करेंगे। सेलेक्ट ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर क्वांटिटी फ्रॉम सेल्स, सेल्स के टेबल में से ये दो कॉलम्स हमें चाहिए, वेयर बुक अंडरस्कोर की इक्वल्स B103। फिर इसी तरह से ये नीचे इसने एक कॉम्प्लेक्स क्यूरी लगाई है, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्यूरी है, जहाँ पे उसने कहा है कि जहाँ पे बुक की ये हो, स्टोर की ये हो और ऑर्डर नंबर ये वाला हो। तो ये हमने पहले भी क्यूरीज इस तरह की सिंपल सिंपल पढ़ी हुई हैं। इन क्यूरीज में, इन दो क्यूरीज में कोई ऐसा इंडेक्स उसने यूज नहीं किया, ठीक है। बैकएंड पे इंडेक्सेस यूज हो रहे होंगे इनके, लेकिन इस वक्त विजिबली हमें ये नहीं नजर आ रहा कि हमने इंडेक्सेस का सहारा यहाँ लिया या नहीं। तो ये फंक्शन बेस्ड इंडेक्सेस, पार्टीशन इंडेक्सेस, टेक्स्ट इंडेक्सेस, एक दफा आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा तो इससे फायदा ये होगा कि जो आपने बुक में से चीजें पढ़ी हुई हैं, एक दफा यहाँ से पढ़ेंगे तो काफी चीजें आपको जो है वो दोबारा प्रिपेयर हो जाएंगी, तो ये आपको फायदा हो जाएगा इसका। एक यहाँ पे इंडेक्सेस का टॉपिक है, फिर हमने ओरेकल का लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद होगा, जिसमें टेबल स्पेसेस थे, सेगमेंट, एक टेबल स्पेस में फिर सेगमेंट्स, सेगमेंट्स में एक्सटेंट्स, एक्सटेंट्स में ब्लॉक्स, इस तरह की चीजें थी सारी की सारी। जैसे ये आप देख सकते हैं टेबल स्पेसेस हैं, फिर उसके अंदर सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट के अंदर फिर एक्सटेंट्स हैं, एक्सटेंट्स के अंदर फिर ब्लॉक्स हैं। तो ये हमने लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को बड़ी डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है, टेबल स्पेसेस के बारे में भी बड़ी डिटेल में पहले बातें की हुई हैं हम लोगों ने, और हमने काफ़ी डिटेल में देखा है कि हमारे पास ये देखें एक एक सिस्टम की टेबल स्पेस होती है आपके पास और एक सिस ऑग्स की टेबल स्पेस होती है बाय डिफॉल्ट, ये तो लाजमी होती हैं, ठीक है। और OMF ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स, ये बेसिकली एक यूटिलिटी है जिसको आप यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन मेक टेबल स्पेस डाटा फाइल मैनेजमेंट इवन ईजियर, टेबल स्पेस के जो डाटा फाइल्स होती हैं उनकी मैनेजमेंट को अगर आप लोगों ने ईजी करना हो तो आप इस यूटिलिटी को यूज करते हैं OMF को। और ये DBA बेसिकली एक यूजर है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली हुई हैं, आप एक दफा इसको ना रीड कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास कल में फिर हम जो है इसको देख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ उसने टेबल स्पेस को क्रिएट करना दिखाया आपको कि टेबल स्पेस कैसे क्रिएट होती है, क्रिएट टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नाम होगा टेस्ट, और आपको पता है एक टेबल स्पेस में मल्टीपल डाटा फाइल्स होती हैं, ठीक है। मैं इसमें एक डाटा फाइल बनाना चाह रहा हूँ, सपोज डाटा फाइल, आगे मैंने उस डाटा फाइल की लोकेशन बता दी कि वो डाटा फाइल है कहाँ पे है, फिर साइज, आपको पता है ग्रैनल्स के अंदर साइज होता है हमारा, साइजेस जब हम डिफाइन करते हैं, साइज 5M, मिलियन इसको आप कह सकते हैं, 5M उसने साइज डिफाइन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट, अगर टेबल स्पेस को आप अल्टर करना चाहते हो, टेबल स्पेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, मतलब एक और डाटा फाइल ऐड करना चाहते हो, ऑलरेडी एक डाटा फाइल है आप एक और ऐड करना चाहते हैं, तो आप एक और डाटा फाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे अल्टर टेबल स्पेस टेस्ट, टेबल स्पेस का नाम टेस्ट है, ऐड डाटा फाइल, तो इससे एक और डाटा फाइल ऐड हो जाएगी। फिर इसी तरह से आप कहते हैं कि आप टेबल स्पेस को डिलीट कर दो, ड्रॉप कर दो, तो ड्रॉप टेबल स्पेस टेस्ट, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है, हम लोग टेबल स्पेस को ड्रॉप करते हैं, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं, डाटा फाइल जिनको हम कहते हैं, उनको हम ड्रॉप नहीं करते, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि बैकअप में प्रॉब्लम आती है। जब आप बैकअप लेते हो तो बज़ाहिर आपको ये लग रहा होता है जैसे टेबल स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन टेबल स्पेस का रिकॉर्ड तो एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो बैकअप टाइम जो है वो आपका बढ़ जाता है। दूसरा, ये इनकंसिस्टेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, ये हमने सारा पढ़ा हुआ है पहले बुक के अंदर, पहले चैप्टर में। अभी आप ये रीड करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी भी। अब हमारे लिए फिर इस चीज़ से बचने का सलूशन क्या है, हमारे लिए इस चीज़ से बचने का सलूशन ये है कि जब हम टेबल स्पेस को ड्रॉप करें ना, तो हम टेबल स्पेस के साथ जो उसके कंटेंट्स और डाटा फाइल्स हैं वो भी ड्रॉप करें साथ ही साथ। तो यहाँ देखें, उसने क्यूरी लगाई है, ये वाली क्यूरी, और इस क्यूरी में उसने
टेबल स्पेस को तो ड्रॉप किया ही है, साथ ही साथ उसने उसके कंटेंट्स को भी ड्रॉप किया है और डाटा फाइल्स को भी ड्रॉप किया है, ताकि कोई किसी किस्म का कंटेंट जो है वो टेबल स्पेस में रह ना जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। तो ये यहाँ पे टेबल स्पेस के रिलेटेड बातें थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आल्दो अ टिपिकल ओरेकल डेटाबेस विल मल्टीपल टेबल स्पेसेस, अब वो टेबल स्पेस के बारे में पॉइंट्स में डिफाइन कर रहा है। अ टेबल स्पेस इज लॉजिकल स्टोरेज फैसिलिटी, ये लॉजिकल स्टोरेज फैसिलिटी है फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स, इंडेक्सेस, सीक्वेंसेस, क्लस्टर्स, इस तरह की चीजें सेव होती हैं। ईच टेबल स्पेस हैज एट लीस्ट वन डाटा फाइल, कम अज कम एक डाटा फाइल तो होगी, और डाटा फाइल फिजिकल होती है जो कि हार्ड डिस्क में पड़ी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल भी उसको कहते हैं। अ टेबल स्पेस बिलोंग्स टू वन डेटाबेस, एक टेबल स्पेस जो है मल्टीपल डेटाबेस को बिलोंग नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा एक डेटाबेस को बिलोंग करेगी। अ टेबल स्पेस कैन बी ब्रॉट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसको, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, टेबल स्पेस को, फॉर द पर्पसेस ऑफ बैकअप एंड मैनेजमेंट एक्सेप्ट फॉर सिस्टम टेबल स्पेस। सिस्टम टेबल स्पेस को आप नहीं कर सकते ऑनलाइन, ठीक है, या ऑफलाइन, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट टेबल स्पेस होती है जो स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जितने भी होते हैं वो सिस्टम टेबल स्पेस के थ्रू होते हैं, इसलिए इसको आप नहीं कर सकते ऑनलाइन या ऑफलाइन। टेबल स्पेसेस कैन बी आइदर रीड ओनली और रीड राइट स्टेटस, आप जैसे अभी हमने देखा है, हमने टेबल स्पेस में एडिशंस भी किए हैं, अपडेशंस किए हैं, तो इसलिए टेबल स्पेसेस को राइट रीड ओनली भी किया जा सकता है और रीड राइट स्टेटस भी जो है वो दिया जा सकता है। ये वाला आप लोगों ने जो पैराग्राफ है ये एक दफ़ा पढ़ लेना है, तो आप लोगों को इसमें से जो है कुछ चीज़ें अगर नहीं लगेंगी तो नेक्स्ट कल की क्लास में फिर हम इनको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक कुछ है बातें पूछने वाली तो पूछ लें। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।